और इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। इसके बाद अब मैं इसके साथ ही मैं तरीके के जैसा कि मैंने कहा 87वें साल का शुरू है उसका भी ऐलान करता हूँ। इंशाल्लाह यकम नवंबर से वो शुरू हो चुका है। अब मैं इस तरह भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आजकल बहुत दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं की तरफ तवज्जो करें। हम अपने लिए और जमात के लिए दुआएँ करते हैं, मुसलमानों के लिए उम्मीद और बड़ी दुआओं की ज़रूरत है। आजकल मुसलमानों के खिलाफ गैर मुस्लिम दुनिया के बाज़ ममालिक के लीडर बड़े बोझ वकीला की जज्बात रखते हैं और ज़ाहिर है लीडर जो हैं वो इस जमहूरी दौर में अवाम को खुदा समझ कर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें बयान और पॉलिसियाँ बनाने की कोशिश करते हैं या खुद ही बाज़ दफ़ा उनको गलत रहनुमाई करके इस तरह ले जाने की कोशिश करते हैं कि खुदा नहीं है बल्कि तुम ही सब कुछ हो। जहाँ खुलकर बयान नहीं भी देते वहाँ भी दिलों में इस्लाम के खिलाफ नफरतें और तहफ़ुज़ात लिए हुए हैं ये लोग और अवाम उन्नास का एक बड़ा हिस्सा भी इस्लाम से सही वाकफियत ना होने की वजह से मुसलमानों के खिलाफ हैं। बहरहाल हमने दुआओं के साथ कोशिश के साथ दुनिया को बताना है कि इस्लाम की हकीकत क्या है। गुज़श्ता दिनों खुलकर अगर किसी मगरबी लीडर का बयान आया है तो ऐसे तो आते रहते हैं किसी ना किसी तरह फिक्रात लिपटे लपाए कुछ ना कुछ सियासी तौर पर बयान करके या इस तरह गोलमोल से अल्फाज में, लेकिन खुल के किसी लीडर का बयान आया तो वो फ्रांस का सदर था। उसने इस्लाम को क्राइसिस का शिकार मज़हब करार दिया है। क्राइसिस का शिकार तो उनकी खुद अपना मज़हब है जिसको अगर है तो अवल तो वो मानते नहीं किसी मज़हब को, ईसाइत को भी भूल बैठे हैं। क्राइसिस का शिकार तो ये है इस्लाम तो अल्लाह ताला के फजल से ज़िंदा मज़हब है और फलने फूलने वाला मज़हब है और फल फूल रहा है और अल्लाह ताला हर ज़माने में उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लिए हुए है। इस ज़माने में भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इसकी तबलीग दुनिया के चारों कोनों में फैल रही है। असल बात यह है कि ये इस्लाम की मुखालिफ कुव्वतें या लोग जो हैं इसलिए इस किस्म की हरकतें करते हैं और बयान देते हैं कि उन्हें पता है कि मुसलमानों में आपस में एका नहीं है। यहाँ कैनेडा के वज़ीर आज़म को बहरहाल मैं तारीफ़ के नाम में ज़िक्र कर दूँ, उन्होंने फ्रांस के सदर के बयान पर बड़ा अच्छा बयान दिया है कि ये सब कुछ गलत है और ये नहीं होना चाहिए और एक दूसरे के जज्बात का, मजहबी जज्बात का और मजहबी लीडरों का ख्याल रखना चाहिए। काश के बाकी दुनिया के लीडर भी वज़ीर आज़म कैनेडा के सोच और बयान को ज़रा गौर से देखने वाले हों और दुनिया के अमन और सुकून को कायम करने के लिए इस पर अमल करें। बहरहाल कैनेडा के वज़ीर आज़म साहब इस लिहाज से काबिल तारीफ़ हैं और हमें इनके लिए दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह ताला मज़ीद इनका सीना खोले। बहरहाल ये तो ज़ाहिर है कि मुसलमानों में एका नहीं, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हर एक मुल्क दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ है मुसलमानों का। फ़िरका वारियत ने बाहर की दुनिया में ये ज़ाहिर कर दिया है कि मुसलमानों में फूट है। अगर दुनिया को पता हो कि मुसलमान एक हैं, एक खुदा और एक रसूल के मानने वाले हैं और उसकी खातिर कुर्बानियाँ देना जानते हैं तो कभी ऐसी हरकतें ना हो गैर मुस्लिम दुनिया की तरफ से। कभी किसी अखबार को आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके छापने की ज़रूरत ना हो। चंद साल पहले भी जो खाके छापे थे डेनमार्क में भी और फ्रांस में भी, उससे वक्ती शोर में जाकर और इनकी चीज़ों का बायकॉट करके, ना ख़रीदने का ऐलान करके फिर खामोश होकर बैठ गए, कुछ भी नहीं हुआ। चंद महीनों के बाद खामोशी होगी। उस वक्त भी जमात अहमदिया ने ही सही रद्दमल दिखाया था और इनके सामने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सीरत पेश की थी जिसकी बहुत से गैरों ने, पढ़े लिखे तबके ने, लीडरों ने, अवामुन्नास ने तारीफ़ की थी और पसंद किया था।
और यही हम काम हम आज भी कर रहे हैं और बताते हैं कि चंद सर पड़े लोगों के इस्लाम के नाम पर गलत अमल को इस्लाम का नाम ना दो। किसी मुल्क के सदर का ये काम नहीं है कि किसी शख्स के गलत अमल को इस्लाम की तालीम और मुसलमानों के लिए क्राइसिस का नाम देकर फिर अपने लोगों को मजीद भड़काया जाए कि इनके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है और ये हम लड़ाई जारी रखेंगे। इस शख्स को गलत अमल पर भड़काने वाले बीजेपी तो ये खुद ही हैं। मैंने पहले भी ये बयान दिया था कि खाके वगैरह बनाना या आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन किसी रंग में करना किसी भी गैरतमंद मुसलमान को बर्दाश्त नहीं है और बाद मुसलमानों के जज्बात को ये हरकतें भड़का सकती हैं और भड़काती हैं और इससे खिलाफ कानून पर हरकत सरदर्द हो जाएगा किसी से। अगर कोई शख्स कानून अपने हाथ में ले ले तो उसको फिर जिम्मेदारी ये गैर मुस्लिम लोग हैं ये हुकूमतें हैं या नाम नहाद आज़ादी है जिसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम इजहार ख्याल का नाम दिया जाता है। बहरहाल गैर मुस्लिम दुनिया है जो उनके जज्बात भड़काती है। मैंने उस वक्त भी जब पहली दफ़ा ये मामला उठा था खुद बात के एक सिलसिला में सही रद्द अमल की वजाहत की थी कि हमें किस तरह सही रद्द अमल करना चाहिए और क्या दिखाना चाहिए और उसका जैसे कि मैंने बताया कि लोगों पर अच्छा असर भी हुआ था और अभी तक हम मुसलसल किए जा रहे हैं उस तरीके को जारी रखे हुए हैं। फिर हॉलैंड के सियासतदान ने एक जब बयान दिया था तो उस वक्त भी हॉलैंड में मैंने खुतबा दिया था और उसको अल्लाह ताला के अज़ाब से डराया था बल्कि इस पर उसने हॉलैंड की हुकूमत को दरख्वास्त भी दी थी कि इसने मुझे मौत की धमकी दी है और मेरे खिलाफ उसने ये हॉलैंड की हुकूमत को कहा था कि इसको यहाँ आना बैन किया जाए बल्कि इस पर मुकदमा चलाया जाए। तो बहरहाल हम तो जहाँ तक हो सकता है कानून के दायरे में रहते हुए इस्लाम और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम के ख़िलाफ़ होने वाली हर हरकत का जवाब देते हैं और देते रहेंगे और इसका असर भी होता है और यही हल पेश करते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए हर कदम हमें उठाना चाहिए और सबसे बढ़कर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। और गुज़श्ता कई खुतबात में मैं इस बात की तारीफ कर चुका हूँ और बावजूद हमारे बारे में गैर अहमदी उलमा के सख्त बयान के हम इस्लाम के दिफा में इस्लाम की हकीकी तालीम की रोशनी में अपना काम करते चले जाएंगे और करते चले जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। एक या दो या चार आदमी को कत्ल करने से वक्ती जोश तो निकल जाता है लेकिन यह कोई मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्लिम उम्मा अगर मुस्तकिल हल चाहती है तो तमाम मुसलमान दुनिया इकट्ठी हो। अब भी फ्रांस के सदर के जवाब में तुर्की के सदर ने जवाब दिया या एक दो और मुल्कों ने रद्दअमल जाहिर किया तो ये बात इतना असर नहीं डाल सकती जितना कि तमाम मुसलमानों के हल्के के एक रद्दअमल की असर हो सकता है। वो ये कहा जाता है कि तुर्की वगैरह के रद्दअमल पर फ्रांस के सदर ने अपना बयान बदला और कुछ नरम किया कि मेरा मतलब ये नहीं था मेरा मतलब ये था लेकिन साथ ही अपनी बात पर भी कायम रहा कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर 54-55 मुसलमान ममालिक एक जुबान होकर बोलते तो फिर वो अगर मगर की बात ना करता फ्रांस का सदर फिर उसको मजबूरन बहरहाल माफ़ी मांगनी पड़ती घुटने टेकने पड़ते। बहरहाल यहाँ मुख्तसर में इतना ही ये कहना चाहता था कि दुआ करें कि मुसलमान ममालिक कम अज़ कम गैरों के सामने एक होकर आवाज़ उठाएं फिर देखें कितना असर होता है। हम तो अपना काम किए जा रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला कि मसीह मोहम्मदी के मानने वालों का ये काम है ये फ़र्ज़ है कि इस्लाम की खूबसूरत तालीम को दुनिया में फैलाएँ आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत चेहरे को दुनिया को दिखाएँ और इस वक्त तक चैन से न उस वक्त तक चैन से न बैठें जब तक तमाम दुनिया को आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले न लें। दुनिया को बताएं कि तुम्हारी बका इसी में है कि खुद
खुदा वाहिद को पहचानो और जुल्मों को ख़त्म करो। कुछ अर्सा पहले मैंने चंसलर रहा ने हुकूमत को दोबारा ख़त लिखे थे, चंद महीने पहले इसी कोविड के दौरान में, तो फ्रांस के सदर को भी मैंने लिखा था और उसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज में ये तंबीह भी की थी कि ये अज़ाब और आफात अल्लाह ताला की तरफ से जुल्मों की वजह से आते हैं, इसलिए तुम्हें इस तरह तवज्जो देने की ज़रूरत है। जुल्मों को ख़त्म करो और इंसाफ को कायम करो और हक पे मबनी बयान दो। हमने जो अपना फ़र्ज था पूरा किया है और करते रहेंगे। अब किसी की मर्जी है, चाहे वो उसको समझे या ना समझे, लेकिन हमने बहरहाल उम्मत मुस्लिमा को दुआओं में नहीं भूलना। अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे कि ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सादिक़ को भी पहचान लें और दुनिया को अमूमी तौर पर भी सोचना चाहिए कि ये ऐसी बातें हैं, अगर खुदा से दूर हटते चले गए वो तो उनकी दुआई के अलावा कुछ नहीं है। और हमने अमूमी तौर पर हमने भी ये कोशिश करनी है कि दुनिया को अल्लाह ताला की तौहीद के नीचे लाएं, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे लाना यही तरीके जी का मकसद भी है और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक भी अता फरमाए। इसके अलावा दुनिया के अमूमी हालात के ये भी दुआ करें, बड़ी तेज़ी से इस तरह बढ़ रहे हैं, इस बीमारी से जब जान छुटे तो ये ना हो कि एक और आफत जंग अजीम की सूरत में इन पर नाजिल हो जाए। अल्लाह ताला दुनिया को अकल और समझ दे और खुदाए वाहिद को पहचान कर उसका हक अदा करने वाले बने।